दिस इज ताज उर्दू अकादमी और मैं हूं डॉक्टर ताज फिरदौसी, आपका लेक्चरर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, स्पीकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरुआत हम सलाम से करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से ही इल्म हासिल होता है, उसकी अगर उसमें रजामंदी हो तो फायदे का इल्म होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं रब्बी जिदनी इल्म, रब्बी जिदनी इल्म, के अल्लाह और भी ज्यादा इल्म अता फरमाए। इल्म की कोई हद नहीं होती। अभी अगर आप देखेंगे, आप बैचलर डिग्री हैं तो मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री हो जाती है तो फिर पीएचडी, एमफिल वगैरह आ जाते हैं, फिर वो इतना ही नहीं। हम समझते हैं कि हमने तो मास्टर डिग्री और पीएचडी हासिल कर ली तो पहुंच गए हैं। हाँ, आप तहकीक करने के काबिल हो जाते हैं, आपको उस पर अबूर अबूर हासिल हो जाता है। किसी चीज़ को तज्जिया करना और फिर उसकी तशखीस करना और उसे सही तरीके से एनालाइज करना, ये होता है आपका पीएचडी। उसमें अंदाजा ये हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसे क्या कहना है, कौन सी चीज को आपको पेश करना है, हर चीज का वाज़ह नक्शा आपके सामने हो जाता है। अब मैं इस वक्त जो आपको बात कर रहा हूं वो इंटरमीडिएट लेवल के करीब भी बात हो रही है, इसके अंदर बेसिक भी आ जाए, ऊपर की क्लास भी आ जाए, क्योंकि मैं जिन चीजों को आपको पेश कर रहा हूं इंग्लिश में वो बिल्कुल नेटिव स्पीकर की इंग्लिश है। आप उसके साथ हमेशा कदम ब कदम चलते रहे, हम सफर बन जाइए। अब देखिए, आज हम करते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स अरबी में कहते हैं तहियात। ग्रीटिंग्स सलाम करना, किसी को मुबारकबाद देना, हर तरीके से सलाम का तरीका जो होता है वो हम लोगों को उर्दू में, अरबी में, फारसी में, सबके लिए अरबी ही है, अस्सलामु अलैकुम। कई लोग सलाम अलैकुम कहते हैं, सलाम 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 अलैकुम, वो नून लेते हैं मीम की बजाय सलाम अलैकुम, आइन की आवाज को अलीफ में बदलते हैं सलाम अलैकुम। ये तरीका गलत होता है, कहना है तो अस्सलामु अलैकुम। अब इंग्लिश की बात करते हैं क्योंकि ये उर्दू से अंग्रेजी तक का लेसन है, ये सफर उर्दू से अंग्रेजी तक। सुबह सवेरे हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, कई लोग बोलते हैं गुड 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 गुड, बात मॉर्निंग, मार नहीं होगा और गुड नहीं आएगा, उसको डाक निकालने टच करते हुए जबान पे गुड गुड मॉर्निंग, तो गुड जाएगा गुड, मॉ ऊपर जाएगा, मॉर ऊपर जाएगा, निंग नीचे आएगा, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, माँ की आवाज जोरदार जाएगी और नीचे उतरेगी निंग निंग आहिस्ता से, जो आवाज फोर्स के साथ आती है वो सिलेबल स्ट्रेस कहते हैं, उस पर फोर्स पड़ता है, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग। अब मेरे साथ बोले गुड गुड निंग गुड गुड मॉर्निंग, गुड को छोड़ कर दीजिए, मॉर्न को ऊपर चले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड को छोटा सा मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो आप उसे फॉर्मल जवाब दोस्त तरीके से हैं। फॉर्मल जो होता है बड़ा ही तहजीबी अंदाज का, इनफॉर्मल दोस्त लहजे के अगर कहते हैं गुड मॉर्निंग तो आप कहते हैं मॉर्निंग सुबह, गुड समझ में आ गई, क्योंकि जवाब देने वाला भी तो वही कह रहा है आपको भी का मतलब, जब सुबह बखैर कहते हैं वो गुड से, आप भी उसे बखैर की बात आती है,
तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग, इतना तो हो गया गुड मॉर्निंग। अब दोपहर हो गई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टर, आफ्टर नो ऊपर जाएगा, आफ्टर बोलिए मेरे साथ, आफ्टर नो और गुड गुड, आफ्टर नो गुड, आफ्टर नो। ये इस तरीके से आवाज बहरों में चलनी चाहिए, अमवाज की शक्ल में, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब फिर शाम की बात आती है थोड़ी सी, अभी सूरज ढल रहा है, शाम होने को आई, मगरिब हो गई, तो आप कहेंगे इवनिंग, इवनिंग नहीं इव, इवनिंग, इव आवाजों पर निंग नीचे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कब तक चलेगा गुड इवनिंग? मगरिब से लेके रात भर चलेगा, जब तक इवन आधी रात भी हो जाए गुड इवनिंग चलेगी। फिर एक गुड नाइट कब कहेंगे? गुड नाइट तो उस वक्त कहेंगे जब कोई आपसे जुदा होकर जा रहा हो। अब देखा आपने रात के 11 बज गए, 11:30 रात के फोन पे उठाए, हेलो गुड नाइट नहीं बोलेंगे, गुड नाइट तो विदाई कलिमात है, गुड बाय बोलने के तरीके का है, गुड इवनिंग मगरिब तक, गुड मॉर्निंग दोपहर से 12 तक, गुड आफ्टरनून जहर से लेकर मगरिब तक। अब इवनिंग जो है वो मगरिब से शुरू होता है। अब मेरे साथ एक्शन से बोलिए, मेरे साथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट, गुड बाय, बाय की आवाज ऊंची हो, गुड बाय। अब शुरू आप फिर से करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय। और जब जुमले कहते हैं गुड बाय, सी यू, फिर मिलेंगे, टेक केयर, आप अपनी हिफाजत करें, आप खुद का ख्याल रखें, ये अपनायत से कुछ किसी को कहते हैं कि भाई आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, ओके टेक केयर ऑफ यू। अगर समझिए कि आप अपने भाई को कहें टेक केयर ऑफ यू ब्रदर, टेक केयर ऑफ यू ब्रदर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर मदर, फादर फादर, फादर नहीं फादर। अब इतने तमाम चीजों को कहने के बाद मैं आगे कहूंगा हाउ आर यू, हाउ डू यू डू नहीं कहेंगे, हाउ डू यू डू का मतलब मेरी दुआएं आपके लिए हैं। जब पहली मुलाकात होती है, पहली बार किसी को मिल रहे हैं, तभी कहेंगे हाउ डू यू डू। जब कोई मिला रहा है आपको, हेलो दिस इज माय फ्रेंड मिस्टर अहमद, अहमद दिस इज माय ब्रदर अली, तो अली और अहमद दोनों हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे हाउ डू यू डू, तो वो हाथ मिलाएंगे हाउ डू यू डू का मतलब आप कैसे हैं नहीं है, हाउ डू यू डू का मतलब ये तुम कैसे करते हो, उसका तर्जमा कैसे करते हो, क्या करते हो, ये नहीं। हाउ डू यू डू का मतलब मेरी नेक दुआएं, मेरी तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं और दुआएं, वो भी कहता है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू अगर हाथ मिलाकर पहली बार किसी से मुलाकात पे कह रहे हैं, तो आप हाउ डू यू डू फाइन मत बोलिए, हाउ डू यू डू का मतलब है मेरी दुआएं, और आप जवाब में कहेंगे हाउ डू यू डू, मेरी भी दुआएं। फिर उसके बाद मुलाकात होती है, फिर दूसरे दिन कभी मिल रहे हैं, हाय हाउ आर यू, हाउ डू यू डू कभी नहीं आएगा फिर जिंदगी में, एक ही बार हाउ डू यू डू होता है जब पहली बार मिल रहे हैं, हाउ आर यू, तो उसका जवाब है आई एम, नहीं आई एम, यू आर, आई एम को मिला दीजिए, आई एम, आई एम फाइन, आई एम फाइन, एंड यू, और आप कैसे हैं, एंड यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। थैंक यू फॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है तकल्लुफ का, फॉर्मल थैंक यू। ऑफिसर से या किसी बड़े इससे बात कर रहे हैं आप इज्जत के साथ, तो वहां पर आपको पेश करना है एहतराम, तो थैंक यू। अगर दोस्त हैं, भाई हैं, करीबी है, थैंक्स थैंक्स,
बस शुक्र थैंक्स कह दीजिए, बस आसानी हो गई इसमें। फिर उसके बाद वो कहते हैं हाउ इज द डे टुडे, आपका दिन कैसे गुजर रहा है, हाउ इज द डे, ब्यूटीफुल वंडरफुल अमेजिंग अमेजिंग व्यू। ब्यूटीफुल को फोर्स बा पे कहिए, मेरा हाथ देखिए, व्यू व्यू फोर्स व्यू ठीक फुल नीचे जाएगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नहीं आएगा, ब्यूटीफुल नहीं व्यू, उसके बाद ठीक फुल हल्का सा ब्यूटीफुल अमेजिंग अमेजिंग फाइन सुपर सुपर। तो आवाज को ऊंचा और कम करना, जिसमें फोर्स आता है उसे कहते हैं स्ट्रेस, जिसमें फोर्स नहीं आता उसे कहते हैं अनस्ट्रेस। अब आ जाइए स्ट्रेस अनस्ट्रेस क्या होते हैं, कोई भी लफ्ज कोई भी लफ्ज कोई भी कहते हैं तो वो आवाज जो निकलती है वो एक ताली पे आएगी या दो ताली पे आएगी या तीन ताली पे आएगी या चार ताली पे आएगी या पांच या छह। अब एक ताली का मतलब क्या है, गुड, ये हो गया ये गुड। अब देखते हैं आफ्टर आफ्टर नून नून। अब गुड आफ्टर नून में गुड आफ्टर नून, अब ये चार हो गए इसके अंदर, आफ्टरनून में तीन आते हैं आफ्टर नून। तो आफ्टरनून आफ्टर नून, आफ ऊपर चढ़ा टर नीचे, कार ऊपर गया कार, फैन। अब अगर हम किसी एक लकड़ी का काम करने वाला होता है कारपेंटर बड़ी, उसे अगर हम कहेंगे तो कारपेंटर को कहेंगे कारपेंटर, तीन सिलेबल हैं। अब उसमें एक सिलेबल ऊंचा जाएगा वो होगा कार कार सी ए आर कार, जैसे आपकी गाड़ी होती है कार फैन टर खा फैन टर, कार नहीं होगा टर नहीं होगा खा फैन टर टर टर। अब डॉक्टर के लिए कितने आवाज आएंगे बोलिए, डॉक्टर 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 डॉक्टर, तो डॉक ऊपर जाएगा डॉक्टर डॉक्टर, ब्रदर ब्रदर सिस्टर अंकल फादर। तो पहला फोर्स हमेशा नाउन पे पहले में फोर्स आ जाता है, लेटर लेटर कॉल ये कॉल एक सिलेबल कॉल कॉलिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन नेक्स्ट लेसन होगा हमारा सिलेबल। जज़ाकअल्लाह खैर थैंक यू।